हैं? ये क्या क्या हुआ सर? अकाउंट खाली हो गया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? देखते हैं। पहली बात, जब भी किसी अननोन नंबर से फोन आए तो होशियार हो जाएं। आजकल बहुत सारे स्कैम्स और फ्रॉड फोन पर किए जाते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आप अहमद सईद साहब बात कर रहे हैं? जी हाँ सर, मैं मिजान बैंक से बात कर रहा हूँ। आपके अकाउंट में कुछ मशकूक एक्टिविटी हुई है। आपके अकाउंट को सिक्योर करने के लिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया है। लेकिन भाई, मैं कैसे यकीन कर लूँ कि आपने बैंक से कॉल की? और वैसे भी आजकल बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, मुझे सब पता है। सर नो प्रॉब्लम, मैं आपको बैंक के ऑफिशियल नंबर से कॉल करता हूँ। कर ले। दूसरी बात, मीजान बैंक कभी अपने कस्टमर्स को UAN या हेल्पलाइन से कॉल नहीं करता। ये नंबर सिर्फ बैंक की हेल्पलाइन पर कॉल करने के लिए इस्तेमाल होता है। और हाँ, मीजान बैंक का स्टाफ आपसे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि पिन या OTP कभी भी नहीं पूछेगा। हाँ, फ्रॉड करने वाले ये मालूमात आपसे मुख्तलिफ तरीकों से हासिल करने की कोशिश करेंगे। जी सर, आप OTP बेशक मुझे ना बताएं। मैंने WhatsApp पर आपको एक लिंक भेजा है, उस लिंक को ओपन करके वहीं पर यूजर नेम, पासवर्ड और OTP एंटर करके अपना अकाउंट वेरीफाई कर दें। ठीक है, मैं कर लेता हूँ। थैंक यू सर। सबसे जरूरी बात, बैंक की जानिब से भेजा गया OTP या कोड किसी से हरगिज शेयर ना करें। चाहे आपसे टेलीफोन कॉल, SMS या WhatsApp पर लिंक के जरिए ये मालूमात मांगी जा रही हो, किसी भी किस्म का शक हो या परेशानी हो तो खुद बैंक की हेल्पलाइन पर रابطہ करें। मेरी मासूमाना दरखास्त है, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी को ना बताएं ताकि आप माली नुकसान से महफूज रह सकें।